सुस्वागतम बच्चों, आपके नए हिंदी क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हम कर रहे थे शब्द, राइट? तो कल हमने कुछ शब्द दो अक्षरों वाले किए थे, आज उन्हीं को हम पेज नंबर 31 में कंटिन्यू करेंगे और आज हम हमारा शब्द पूरा करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हमने अब तक व न वन तक कल किया था, आज हम उसके बाद से शुरू करेंगे। द स दस, र स रस, क स कस, न स नस, ब स बस। दस, रस, कस, नस, बस। दस मतलब 10, रस मतलब किसी भी फल का जूस, कस मीन्स टाइट, किसी को कस के बांधना, रस्सी को कस के बांधना मतलब टाइट कर के बांधना। नस मतलब नर्व्स, जो हमारे सारे शरीर में है, जो हमारे सारे शरीर से ब्रेन तक कनेक्टेड है। बस यानी जिसमें चढ़ के हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। न ग नख, प ग पख, म ग मख, ख ग खख, ज ग जग। नख, पख, मख, खख, जग। नख का मतलब क्या होता है? अगर किसी अंगूठी में एक छोटा सा पत्थर हो तो हम उसे कहते हैं नग, ठीक है? पत्थर जड़े हुए मतलब हीरों की तरह जो दिखते हैं, जो पत्थर वो जड़े हुए, वो लाल पीले जो भी हो, उनको हम नग कहते हैं। पग मतलब पैर, मग मतलब जिससे हम स्नान करते हैं या फिर जिसमें हम कॉफी पी सकते हैं, ठीक है? खग, खग मतलब छोटा सा पक्षी, और जग, जग मतलब संसार जहाँ हम रहते हैं। चढ़ चढ़ दायरा, चढ़ चढ़, पढ़ पढ़, बढ़ बढ़, मढ़ मढ़, गढ़ गढ़। चढ़ पढ़ बढ़ मढ़ गढ़। चढ़ मतलब चढ़ना, क्लाइम। पढ़ मतलब पढ़ना, रीड। बढ़ मतलब बढ़ना, मतलब ग्रो करना। मढ़, मढ़ मतलब यस, किसी पर ब्लेम दे देना, मेरे ऊपर उसने ये मढ़ दिया, मतलब ये कंप्लेन मढ़ दिया, ये दोष मढ़ दिया। गढ़, गढ़ मतलब होता है जो कोई एक स्थान जहाँ से कुछ चीज़ों की शुरुआत हो, गढ़, उसे गढ़ कहते हैं, ठीक है? पहाड़, जिसे एक्चुअली पहाड़ कहा जाता है। स ज सच, भ ज भज, ग ज गज, ब ज बज, ध ज धज। स ज सच, सच मतलब सजना, जो लड़कियां सजती सवरती हैं, सजना। भ ज भज, भजना मतलब भजन कीर्तन करना, मतलब किसी के गुणगान गाना। ग ज गज, गज मतलब हाथी। ब ज बज, बज मतलब बजना, मतलब वो डोरबेल हो सकता है, घंटी हो सकती है, कुछ बजाना। ध ज धज, धज मतलब झंडा, झंडे को हम धज भी कह सकते हैं। तो इस तरह आज हमने दो अक्षरों वाले शब्दों को पढ़ा, ठीक है? बच्चों, आप इसी तरह घर पे अभ्यास कीजिए इन दो अक्षर के शब्दों का, और फिर हम पेज नंबर 32 के साथ कल हाजिर होंगे। तब तक बी सेफ, बी हैप्पी।